हेलो डियर लर्नर्स, इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउंस को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बेसिक बातें बता देता हूँ, आप उनको समझें कि ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज में, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज कर देते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स को कैटेगराइज किया जाता है उनके फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो नाउन का क्या फंक्शन होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम किसी पार्ट ऑफ स्पीच के फंडामेंटल्स को लेकर क्लियर होते हैं, तो फंडामेंटल्स क्लियर हो जाने से क्या होता है कि फिर जब हम उसके फर्दर एप्लीकेशन सीखते हैं या उसका बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में यूसेज डिस्कस करते हैं, तो वो हमें बेटर समझ में आते हैं, उनको याद नहीं रखना पड़ता है, रूल्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई अलजेब्रिक फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं इजी टू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ फंडामेंटल्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो क्या फंडामेंटल्स होते हैं हर एक किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के जो हमें सीखने समझने या आने चाहिए। ठीक है, देखिए सपोज जैसे हम नाउन से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अगर मैं नाउन की ही आपको बात बताऊं तो सबसे पहले तो हमें किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के जो फंडामेंटल्स आने चाहिए, देखिए वो ये हैं, टाइप्स एंड सब टाइप्स। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच है, सबसे पहले तो उसके टाइप्स और सब टाइप्स हमें क्लियर होने चाहिए। सपोज नाउन की हम बात कर रहे हैं, तो नाउन मान लें आप, वर्ब मान लें आप, ठीक है, प्रेपोजिशन ले लें, एडवर्ब्स ले लें, एडजेक्टिव्स ले लें, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जब आप पढ़ते हैं, जब आप उसकी स्टडी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको उसके टाइप्स और सब टाइप्स क्लियर करने चाहिए कि भाई इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और इसके क्या क्या सब टाइप्स होते हैं। उसके बाद में फिर हमें उसके फीचर्स फीचर्स और यू कैन से एट्रीब्यूट्स, जैसे हम नाउन की अगर बात करें तो नाउन में देखिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। नाउन में नंबर होता है, ठीक है, सिंगुलर प्लुरल, जेंडर होता है मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन न्यूटर, ठीक है, पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, केसेस होते हैं नॉमिनेटिव केसेस एक्यूजेटिव केसेस जेनेटिव केसेस डेटिव केसेस अपोजिटिव केसेस वकेटिव केसेस एंड सम मोर जो आजकल यूज नहीं होते, मॉडर्न इंग्लिश में नहीं यूज होते, लेकिन कुछ पुराने केसेस भी। ठीक है, तो जैसे नंबर है, जेंडर है, पर्सन है, केस है, ये नाउन के फीचर्स होते हैं, नाउन्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये हमें समझने सीखने आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमें उसके यूसेस, यूसेस का मतलब होता है इंटरेक्शन विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मान लीजिए हम नाउन को सिंगल यूज करके तो सेंटेंस नहीं बनाएंगे, जब हम नाउन यूज करेंगे तो नाउन के साथ में कोई वर्ब भी यूज की जाएगी, ठीक है, या नाउन के साथ में हमें कोई एडजेक्टिव या कोई डिटर्मिनर भी यूज करना पड़ेगा, तो जब वो इंटरेक्ट करेगा बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में तो वो उसके यूसेस क्या होंगे, वैलिड यूसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें गलतियां कहाँ हो सकती हैं और सही यूसेस क्या होते हैं, उनको नहीं यूज करने से किस तरीके की गलतियां हो सकती है, ये चीजें। तो फंडामेंटल्स जब हम कहते हैं किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो फंडामेंटल से मतलब हमारा यही होता है कि उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स एंड सब टाइप्स हमें क्लियर होने चाहिए, ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन भी हमें आना चाहिए, फीचर्स उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या अदर फीचर्स होते हैं, मतलब क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हमें क्लियर होने चाहिए, और उसके यूसेस प्रैक्टिकल लैंग्वेज में जब हम लिखते हैं बोलते समय उस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करेंगे सेंटेंसेस में, और हम उसका यूज करेंगे अदर पार्ट ऑफ स्पीचेस के साथ में, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में जब वो इंटरेक्ट करेगा, तो उसके कौन से वैलिड यूजेस हैं जो सही होंगे और कौन से गलत होंगे, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल में जो अगर हम नाउन की बात करें, तो देखिए नाउन जो होता है, जब आप नाउन को समझेंगे, नाउन के फंडामेंटल्स बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे, तो नाउन के साथ में ही एडजेक्टिव्स डिटरमिनर्स हालांकि आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स, आर्टिकल भी डिटरमिनर्स ही होते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको हाईलाइट करने के लिए अलग से आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए नाउंस को अच्छे से समझ जाए, अगर हम नाउंस के बेसिक्स और फंडामेंटल्स हमें ये क्लियर हो जाएं, तो उससे हमें एडजेक्टिव्स के काफी यूसेस अपने आप क्लियर हो जाएंगे, उनको लेके जो हमारे कंफ्यूजन्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, डिटरमिनर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, तो ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं इट इज अ यूनिट। ठीक है, आर्टिकल्स डिटरमिनर्स एडजेक्टिव्स एंड नाउंस, ये चार चैप्टर्स जो आपके हैं, फोर चैप्टर्स हैं, दिस फॉर्म अ यूनिट, ये एक यूनिट है। ठीक है, और इस यूनिट में सबसे मेन जो पार्ट ऑफ स्पीच है या मेन जो टाइप है वो नाउन है। अगर हम नाउन के बेसिक्स को बेटर समझ लेंगे, क्योंकि बाकी जो होते हैं ना वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं, जैसे आप एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे, डिटरमिनर्स आर्टिकल्स भी नाउन को ही डिस्क्राइब रेफर करने के लिए यूज होते हैं, तो अगर हम नाउन को बेहतर से समझ लेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि जो आर्टिकल्स के यूजेस हैं या डिटरमिनर्स के यूजेस हैं या एडजेक्टिव्स के यूजेस हैं, वो हमें मतलब नेचुरली अच्छा समझ में आएंगे, बेटर समझ में आएंगे, और हमें कोई फॉर्मूलाज कोई रूल्स कोई एक्सेप्शन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
खैर ये बातें मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि नाउन जो है ना वो आप जितना अच्छा समझ पाएंगे और या मैं जितना अच्छा आपको समझा पाऊंगा उतना ही अच्छा हम लोग एडजेक्टिव्स डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स को भी समझ पाएंगे. तो यू हैव टू बी सीरियस, मैं जितना सीरियस हूँ उतना ही सीरियस तुम लोगों को भी सीखते समय रहना है. ठीक है, देखिए तो नाउन्स में आज आपको समझाने क्या जा रहा हूँ, नाउन्स में मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ नाउन्स, हाउ टू बी डिसाइड द टाइप ऑफ अ नाउन, हाउ टू बी कैटेगराइज नाउन्स. ठीक है, हम नाउन्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे हम उनका टाइप डिसाइड करते हैं और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमें आज डिस्कस करना है बेसिकली. ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है टाइप्स ऑफ नाउन्स को लेकर, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें बेसिकली हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड हाउ टू बी डिटरमिन देयर टाइप्स, हम उनके टाइप्स को कैसे डिटरमिन करते हैं. देखिए नाउन्स के बारे में आप ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा क्योंकि मेरा बेटा थर्ड क्लास में पढ़ता है और थर्ड क्लास में भी उसके टीचर्स उसको नाउन पढ़ाने लग गए. ठीक है, उसके स्कूल में नाउन चैप्टर उसको स्टार्ट कर दिया है और कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, ये समझा दिया. ठीक है, बेसिकली ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नाउन्स जो है वो हम काफी कम उम्र से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं. हम थर्ड स्टैंडर्ड में होते हैं या फोर्थ में होते हैं या फिफ्थ में होते हैं या मतलब गांव देहात में सिक्स में बच्चे को कई बार इंग्लिश पढ़ाई जाती है. ठीक है, सिक्स से स्टार्टिंग होती है, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो सिक्स से इंग्लिश हमें पढ़ाई जानी शुरू हुई, तो आप वहां से कम नाउन पढ़ना शुरू कर ही देते हैं. जब आपकी इंग्लिश पढ़ाई जानी शुरू होती है तो आपका नाउन स्टार्ट हो जाता है उसी क्लास से, उसी स्टैंडर्ड से. ठीक है, आपको थर्ड क्लास में, सेकेंड क्लास में, सिक्स क्लास में, जिस क्लास में भी इंग्लिश की स्टार्टिंग हुई होगी तो नाउन से ही हुई होगी. ठीक है, अब देखिए होता क्या, नाउन्स के बारे में हमें पहले से काफी कुछ पता है, नाउन्स के टाइप्स को लेकर भी हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको समझाऊंगा मैं चाहूंगा कि आप उस तरीके से इसको देखने की आदत डालें, दैट इज अ बिट अपग्रेडेड, मतलब थोड़ा सा अपग्रेडेड तरीका होगा नाउन्स के टाइप्स को देखने, समझने और जानने का. ठीक है, उसके लिए तैयार रहें. दूसरी बात, एक बात जो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ या उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता हूँ, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको दिमाग में आप लोग रखें. ठीक है, नाउन होते क्या है भाई, नाउन के टाइप्स तो ठीक है हम समझ लेंगे, नाउन के टाइप आप हमें समझाइए, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन नाउन्स होते क्या है पहले हमें ये भी क्लियर होना चाहिए. तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, नाउन नेम यू मस्ट नो इट. ठीक है कि नाउन और नेम एक ही बात होती है, तो अब नेम कह लो या नाउन कह लो, ये है क्या, इट इज अ रेफरेंस वर्ड. ये हमेशा ध्यान रखना है कि अ नाउन इज अ रेफरेंस टू समवन और समथिंग. जब हमें किसी पर्सन को या किसी थिंग को, थिंग मीन्स एनीथिंग, मतलब थिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, थिंग का मतलब कोई पर्टिकुलर इमोशन भी हो सकता है, थिंग का मतलब कोई एनिमल, एनिमल्स को हम थिंग की कैटेगरी में रख के ट्रीट करते हैं. ठीक है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है. ठीक है, कोई क्लॉथ हो सकता है, कोई डिश हो सकती है, कुछ भी. तो नाउन्स आर रेफरेंस वर्ड्स टू समवन और समथिंग. When we have to refer to someone or something, the reference word that we use is a noun. ठीक है, तो आप noun की हम definition कैसे पढ़ते हैं, noun is a naming word, noun is a name. ठीक है, अब जैसे मेरा बच्चा क्लास में पढ़ता है थर्ड क्लास में, ठीक है, तो उसको टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. बिल्कुल सही है, बच्चों को वहीं से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, लेकिन चूंकि अब आप लोग जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे तो नहीं हो, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको ऐसे समझें, a noun is a reference word and it refers to someone or something. तो नाउन रेफरेंस वर्ड्स होते हैं, इनके थ्रू हम समवन या समथिंग को रेफर करते हैं. जब भी हम किसी पर्सन या किसी थिंग को रेफर करने के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं, दैट वर्ड इज अ नाउन. ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि नाउन इज अ रेफरेंस वर्ड, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, खैर लेट्स स्टार्ट. तो हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ नाउन्स हमें आज डिस्कस करने हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नाउन्स में स्टार्टिंग प्रॉपर से ही करते हैं. ठीक है, लेकिन प्रॉपर वर्ड से पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें समझाना चाहता हूं. देखिए आप एक बात समझें यहाँ पे, जैसे ये प्रॉपर है, ये टाइप ऑफ नाउन है. ठीक है, आप लोग पहले से जानते होंगे, थोड़ा मैं इसे अभी एक्सप्लेन कर दूंगा. इससे एक वर्ड आप रिलेट करके देखें तो एक वर्ड होता है प्रॉपर्टी. एक और वर्ड मैं इससे रिलेट करके आपको समझाऊं तो एक वर्ड होता है प्रोपराइटर. ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी प्रोपराइटर क्या होते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि प्रोपराइटर और प्रॉपर्टी क्या होते हैं. प्रोपराइटर इज द ऑनर ऑफ सम इंस्टीट्यूशन और सम बिजनेस. प्रोपराइटर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी बिजनेस को, ठीक है, रन करता है, मतलब उसका ऑनर होता है. ठीक है, और प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट वी आर ऑनर ऑफ, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके हम ऑनर हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है. ठीक है, और हम उसको ऑन कर रहे हैं तो हम प्रोपराइटर हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी है. तो आपको ये बातें ना रिलेट करनी है प्रॉपर से. प्रॉपर का मतलब होता है वंस ऑन, वंस ऑन, अपना खुद का, किसी और का नहीं, वो खुद का है, मेरा पर्सनल है.
इसको कहते हैं प्रॉपर। तो हम ऐसे कह सकते हैं प्रॉपर का मतलब पर्सनल, वंस ऑन, अपना खुद का, ना कि किसी और का, ना किसी और के लिए, अपने लिए, ठीक है। तो बाकी ऐसे ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, ये पहला टाइप ऑफ नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफर करने के लिए, और वो बाकियों को रेफर करने के लिए नहीं यूज होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द पर्सनल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, कि जिस पर्टिकुलर थिंग या पर्सन को हम रेफर कर रहे हैं वो उसका अपना पर्सनल नेम है, वो उसी के लिए यूज होगा, बाकियों के लिए नहीं यूज होगा, ठीक है। तो ये होते हैं प्रॉपर नाउन। अब यहां से आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम किसी ऐसे मतलब वर्ड का यूज करें डेडिकेटेड किसी इंडिविजुअल के लिए, कि ये इस इंडिविजुअल का डेडिकेटेड वर्ड है, वो इसी के लिए यूज होगा, बाकी को रेफर करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाएगा, तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरे शब्द में आप ऐसा समझ सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल थिंग का जो नाम है, डेडिकेटेड जो नाम है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन्स आर डेडिकेटेड नेम्स ऑफ सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल और थिंग, ठीक है। बाकी ध्यान ये भी रखना है कि प्रॉपर का मतलब वंस ऑन होता है, और प्रॉपर्टी है, प्रोपराइटर है, इससे रिलेट करेंगे तो आपके बाद हमेशा ध्यान रहेगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं प्रॉपर नाउन्स के, कमल, ओके, सो कमल इज द नेम ऑफ सम पर्सन, कमल एक किसी एक पर्सन का नाम है, जब भी हम कमल कहेंगे तो जिस पर्सन का नाम कमल होगा उसी की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट रेफर टू सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर कर रहा है, तो नेम्स ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। बैटमैन एक कैरेक्टर है, मूवीज में एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो बैटमैन इज अ प्रॉपर नाउन, सुपरमैन इज अ प्रॉपर नाउन, एक्वामैन इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना, अगर हम बैटमैन की जगह बैट्समैन लिख दें, it is not a proper noun, it is common, ye common hai. Batsman is one who bats, matlab batsman kaun ho gaya, batsman is one who bats, wo jo batting karta hai, theek hai, jo Virat Kohli hai, Mahendra Singh Dhoni hai, Sachin Tendulkar jeete hai, theek hai, to ye batsman hai. To batman jo hai na, it is not in the name of some individual, ye kisi individual ka name nahi hai, बैट्समैन जो है ये नेम ऑफ टाइप है, ये नेम ऑफ कैटेगरी, अभी मैं आपको समझाऊंगा, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये बैट्समैन कॉमन नाउन है, लेकिन बैटमैन जो है आपका प्रॉपर नाउन है, बिकॉज बैटमैन रेफर्स टू सम पर्टिकुलर हीरो, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर हीरो जिसकी रियल आइडेंटिटी ब्रूस वेन है, उसको रेफर करता है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। चंडीगढ़ एक पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, अब चंडीगढ़ है उसी को हम चंडीगढ़ कहेंगे, ठीक है, दिल्ली को तो चंडीगढ़ कहना नहीं शुरू कर देंगे, लखनऊ को चंडीगढ़ कहना शुरू नहीं कर देंगे, जयपुर को चंडीगढ़ कहना शुरू नहीं कर देंगे, पटना को चंडीगढ़ कहना शुरू नहीं कर देंगे, तो चंडीगढ़ चंडीगढ़ का नाम है, उसी के लिए यूज होगा, तो ये उसका अपना प्रॉपर नाउन हो गया, पर्सनल नेम हो गया, उसी के लिए यूज होगा, बाकियों के लिए नहीं यूज होगा, ठीक है। गोदान एक नॉवल है, मतलब हिंदी नॉवल है मुंशी प्रेमचंद जी की, गोदान अब पर्सनल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, उस पर्टिकुलर बुक का पर्सनल नेम हो गया, ठीक है। यमुना एक पर्टिकुलर रिवर हो गई, बजाज, बजाज मुझे लगता है एक तो कास्ट नेम भी होता है, ठीक है, सरनेम होता है बजाज, और अदरवाइज इट इज अ ब्रांड, बजाज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री में। उसके बाद में लूट केस, वैसे तो देखिए आपने लूट केस कोई नाम सुना नहीं होगा, ठीक है, बट इट इज द नेम ऑफ अ मूवी, अभी जो मूवी आई थी कुणाल खेमू विजय राज वगैरह की, रणवीर सॉरी, तो लूट केस इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मूवी, द पर्सनल नेम ऑफ दैट मूवी, उस मूवी का अपना पर्सनल प्रॉपर नेम हो गया, उसी का नाम है, और किसी मूवी का नाम लूट केस नहीं है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ताजमहल अ पर्टिकुलर बिल्डिंग सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा, ठीक है, तो ताजमहल एक पर्टिकुलर मूवी हो गई, ठीक। तो अब ध्यान ये रखना कि प्रॉपर नाउन ऐसे नेम हो गए जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो उसके पर्सनल नेम होते हैं, उसी के लिए यूज होते हैं, बाकी के लिए यूज नहीं होते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाकी आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ी सी बात मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, देखने में अच्छा लगे केवल इसलिए, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, इनकी सेंटेंस में पोजीशन कुछ भी हो, इनको हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ ही लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, किसी अगर प्रॉपर नाउन में दो या दो से ज्यादा वर्ड है, जैसे ताजमहल है, ठीक है, तो ताजमहल में दो वर्ड्स हैं, एक ताज और एक महल, ठीक है, तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है, उनकी पोजीशन सेंटेंस में कुछ भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन इन द सेंटेंस, ठीक है। दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है कि इफ अ प्रॉपर नाउन हैज टू और मोर देन टू वर्ड्स, देन द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी कैपिटल, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखें, देन
सेकेंड टाइप ऑफ नाउन पे आ जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ नाउन है हमारा कॉमन। देखिए कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय, कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय। तो कॉमन नाउन जो होते हैं वो ऐसे नाम नेम होते हैं जो पर्सनल नहीं है। जैसे मेरा नाम अंकुल सिंह है, तो अंकुल सिंह मेरा पर्सनल नेम हो गया, ये मेरा नाम है, ठीक है। लेकिन कुछ नेम ऐसे होते हैं जो हमारे पर्सनल नहीं होते हैं, वो शेयर्ड बाय होते हैं। मतलब वो मेरा, वो नाम मेरे लिए भी यूज हो सकता है, उस रेफरेंस वर्ड के थ्रू आप मुझे भी रेफर कर सकते हैं, मेरे पड़ोसी को भी कर सकते हैं, मेरे भाई को भी कर सकते हैं, ठीक है, पिताजी को भी कर सकते हैं, किसी अदर पर्सन को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नेम जो होते हैं ना वो होते हैं कॉमन। तो कॉमन नाउन्स जो होते हैं ये होते हैं नेम जो शेयर्ड बाय मैनी इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये कॉमन नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि किन्हीं भी इंडिविजुअल्स के लिए यूज किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई डेडिकेटेड है कि इसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए यूज होगा, वो डेडिकेटेड नेम्स नहीं होते हैं। प्रॉपर नाउन्स डेडिकेटेड नेम्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, कॉमन नाउन्स इंडिविजुअल्स के डेडिकेटेड नेम्स नहीं होते हैं। ये शेयर्ड बाई नेम्स होते हैं जो कि शेयर किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, स्पेशली वो इंडिविजुअल जिनमें कोई फीचर कॉमन हो। मतलब एक कॉमन फीचर या कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पर हम एक कैटेगरी नेम डिसाइड कर लेते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल जो उस कैटेगरी से बिलोंग करता है या रिलेट करता है, उसको रेफर करने के लिए हम उस कॉमन नाउन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो एक्टर हमने लिखा, एक्टर, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मान लो मैं यहां पे लिख दूं अक्षय कुमार, ठीक है, या मैं यहां पे लिख दूं टॉम क्रूज, या मैं यहां पे लिख दूं क्रिश्चियन बेल, या मैं यहां पे लिख दूं बेन अफ्लेक, या मैं अपने यहां पे लिख दूं आमिर खान, या मैं यहां पे लिख दूं ऋतिक रोशन, अब देखिए है क्या, ये जैसे ऋतिक रोशन है, आमिर खान है, बेन अफ्लेक है, अक्षय कुमार है, टॉम क्रूज है, क्रिश्चियन बेल है, ठीक है, ये पर्सनल नेम्स हैं, ये इन इंडिविजुअल्स के पर्सनल नेम है। ये अक्षय कुमार का अपना पर्सनल नेम है, ये टॉम क्रूज का अपना पर्सनल नेम है, क्रिश्चियन बेल का अपना पर्सनल नेम है, बेन अफ्लेक का अपना पर्सनल नेम है, आमिर खान अपना पर्सनल नेम हो गया, ऋतिक रोशन पर्सनल नेम हो गया, ये पर्सनल नेम्स हैं। तो ये पर्सनल का मतलब ये प्रॉपर है, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियन बेल भी एक्टिंग करता है मूवीज में, अक्षय कुमार भी एक्टिंग करता है मूवीज में, बेन अफ्लेक भी एक्टिंग करता है, आमिर खान भी एक्टिंग करता है, ऋतिक रोशन भी एक्टिंग करता है। तो ये जो एक्टर है ना, ये कॉमन नाम हो गया, मतलब ये शेयर्ड बाय है। एक्टर का यूज हम, एक्टर वर्ड का यूज हम एज अ रेफरेंस क्रिश्चियन बेल के लिए भी कर सकते हैं, टॉम क्रूज के लिए भी कर सकते हैं, अक्षय कुमार, बेन अफ्लेक, आमिर खान, ऋतिक रोशन, सबके लिए कर सकते हैं। तो ये है कॉमन नाउन्स, ठीक है। तो कॉमन नाउन आपको समझना है कि कॉमन नाउन इज नॉट द नेम ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल का नाम नहीं होता है। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, कि कॉमन नाउन जो होते हैं वो इंडिविजुअल की कैटेगरी का नाम होते हैं, कि इंडिविजुअल किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स इंडिविजुअल्स के डेडिकेटेड नेम्स होते हैं, वो इंडिविजुअल के लिए ही यूज होते हैं, इसीलिए हम उन्हें प्रॉपर पर्सनल कहते हैं, अदरवाइज, ठीक है। अच्छा, कॉमन नाउन्स होते हैं वो इंडिविजुअल का नाम नहीं होते हैं, वो उसकी कैटेगरी का नाम होते हैं, और एनी इंडिविजुअल विच शेयर्स दैट कैटेगरी, विच बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी कैन बी रेफर्ड टू बाय दैट नेम, उसको हम उस नाम के थ्रू यूज कर सकते हैं, जिसे हम कॉमन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो ऐसे रेफरेंस वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए यूज किए जा सकते हैं, जिनमें कॉमन एट्रीब्यूट हो, इसीलिए इनको कॉमन नाउन्स कहते हैं, ठीक है। और ये कैटेगरी का नाम होते हैं, इंडिविजुअल का नाम नहीं होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम होते हैं, वो उसका डेडिकेटेड नेम होते हैं, पर्सनल नेम होते हैं, वो उसी के लिए यूज हो सकते हैं, बाकी के लिए नहीं, ठीक। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जैसे एक्टर था, समझा दिया, वैसे हीरो मान लीजिए, सुपरमैन एक हीरो है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, हेनरी कैविल एक्टर है, जो मतलब रोल प्ले करता है सुपरमैन का, तो एक्टर है हेनरी कैविल, ठीक है। लेकिन जो सुपरमैन है वो हीरो है, जैसे अपना अपना जैसे बॉलीवुड में क्रश है, क्रश एक हीरो है, क्रश है ना, और ऋतिक रोशन एक्टर है जो उस हीरो का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सुपरमैन हीरो है, क्रश हीरो है, ठीक है आपका, और स्पाइडरमैन हीरो है, आयरन मैन हीरो है, थैनोस तो नहीं है, लेकिन समझ जाना, ठीक है। तो हीरो जो है ना, वो दैट इज अ कॉमन वर्ड, दैट इज नेम ऑफ अ कैटेगरी, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो अच्छाई के लिए लड़ता है, दूसरों का भला करता है, ठीक है, बुराई से लड़ता है, तो वो हीरो है, ठीक है। फ्रेंड कॉमन नाउन, नेम ऑफ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू रिलेशन, जिस पर्सन के साथ हम बोलते बैठते उठते चलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा फ्रेंड है। तो फ्रेंड इज द नेम ऑफ कैटेगरी, नॉट अ पर्सन, ठीक है। ए कुड बी माई फ्रेंड, बी कुड बी माई फ्रेंड, सी कुड बी माई फ्रेंड, डी कुड बी माई फ्रेंड,
तो ये जो एबीसीडी हैं, दिस फोर कुड बी माय फ्रेंड, ये फोर दिस फोर पीपल कुड बी फ्रेंड, तो ऐसे समझोगे फ्रेंड पर्सनल नेम नहीं है, क्योंकि अगर पर्सनल होता तो इनमें से किसी एक इंडिविजुअल को रेफर करता, सबको नहीं करता, अगर सबके लिए हो सकता है तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। बॉटल थिंग हो गया, हॉस्पिटल प्लेस हो गया, बिल्डिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, पार्क प्लेस हो गया, कैप एक थिंग हो गया, ठीक है, रिंग ये भी एक थिंग हो गया, लैपटॉप एक मशीन या थिंग हो गया, रूम प्लेस हो गया, कॉइन एक थिंग हो गया। तो यहां पे ध्यान देना है कि व्हेन वी यूज सच अ वर्ड व्हिच कैन बी यूज टू रेफर टू मेनी इंडिविजुअल्स, इट इज अ कॉमन नाउन, ठीक है, ये कॉमन नाउन होता है, ठीक। अच्छा, यहां पे ध्यान क्या रखना है, प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन्स एंड वाइस वर्सा, कि हम लैंग्वेज में प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन्स के तरीके से और कॉमन नाउन्स को प्रॉपर नाउन्स के तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एक क्लास है, मान लीजिए एक क्लास है और इसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो इसमें मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं और वो एनरोल्ड हैं, मान लीजिए 30 35 40 इसमें स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, मोहन नेम के दो पर्सन है, या मान लेते हैं थोड़ा ज्यादा है, मान लेते हैं मोहन नाम के इसमें, हालांकि जनरली तो ऐसा नहीं होता लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है, दो तो होते हैं जनरली, कई बार मैंने ऐसे देखा है हमारी क्लासेज में भी रहे, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक ऐसी क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मोहन है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ऐसे कह दें देयर आर 5 मोहन्स इन दिस क्लास, ठीक है, तो ये जो हमने मोहन्स वर्ड लिखा ना, ये बच्चे यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, क्योंकि मोहन्स लिखकर हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर नहीं कर रहे। अब मोहन्स लिखकर हम एक कैटेगरी बना दे रहे हैं। अच्छा, ये कैटेगरी किसके बेसिस पे बनाई गई है, ये कैटेगरी बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर नाउन मोहन, कि मोहन यहाँ पे हमने कॉमन नाउन मान लिया और मोहन का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसका नाम मोहन है, तो वह कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा ना, देयर आर 5 मोहन्स इन दिस क्लास, ये मोहन्स प्रॉपर नहीं है बच्चे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। या मान लीजिए मैंने किसी पर्सन से कहा यू आर नो हरिश्चंद्र, ठीक है, ये कॉमन है, यू आर नो हरिश्चंद्र, तुम कोई हरिश्चंद्र नहीं हो, तो हरिश्चंद्र यहां पे कॉमन है। मान लीजिए कोई पर्सन बेईमान है, लेकिन हम सबके सामने या लोगों के सामने ऐसा दिखावा करता है कि जैसे बहुत सत्यवादी है, बहुत एकदम से मतलब इंटीग्रिटी वाला पर्सन है, कैरेक्टर वाला पर्सन है, तो हमने उसको कहा कि ऐसे एक्टिंग नहीं करो, यू आर नो हरिश्चंद्र, तुम कोई हरिश्चंद्र नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र का मतलब वी आर नॉट रेफरिंग टू द किंग ऑफ सतयुग, हम सतयुग के किंग हरिश्चंद्र को रेफर नहीं कर रहे, यहाँ पे हरिश्चंद्र से मतलब हो गया अ पर्सन, ठीक है, हु हैज दैट काइंड ऑफ क्वालिटी, हु बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी ऑफ हरिश्चंद्र, जो हरिश्चंद्र के जितना ईमानदार, हरिश्चंद्र जी के जितना मतलब ट्रुथफुल है, सत्यवादी है, तो ये जो हरिश्चंद्र है ये भी कॉमन नाउन हो गया। या मान लीजिए एक बड़ा कॉमन एग्जांपल होता है, आप लोग अक्सर पढ़ने लिखने में भी यूज करते होंगे, ही इज द आइंस्टाइन ऑफ दिस कंट्री, ही इज द आइंस्टाइन ऑफ दिस कंट्री। अब जैसे कि हमें पता है कि आइंस्टाइन क्या थे, मतलब एक बहुत ही तेज दिमाग, बहुत काबिल एक साइंटिस्ट थे। अब मान लीजिए उसी तरीके का, उन्हीं की लेवल का, उसी कैटेगरी का, उसी ग्रेड का कोई साइंटिस्ट हो किसी देश में, ठीक है, भले उसका नाम आइंस्टाइन ना हो, कुछ भी हो, तो हम कहेंगे ही इज द आइंस्टाइन ऑफ हिज कंट्री। तो हमने आइंस्टाइन को यहाँ पे एक टाइप कंसिडर कर लिया, ठीक है, अ टाइप ऑफ साइंटिस्ट, कि उस ग्रेड का, उस लेवल का साइंटिस्ट, ठीक है। हरिश्चंद उस लेवल का ट्रुथफुल पर्सन, मोहन उस नेम का पर्सन जिसका नाम मोहन हो, तो मोहन एक कैटेगरी बन गई उन लोगों की जिनका नाम मोहन होता है, हरिश्चंद एक कैटेगरी बन गई उन लोगों की जो हरिश्चंद जी के जैसे ईमानदार और सत्यवादी होते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन एक कैटेगरी हो गई उन साइंटिस्ट की जो उस लेवल के होते हैं जिस लेवल के साइंटिस्ट आइंस्टाइन जी थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन्स के तरीके से यूज कर रहे हैं, और ये प्रॉपर नाउन्स नहीं है बच्चे, ये कॉमन नाउन्स है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पर्सन जिसका नाम मोहन है और हमें उसको रेफर करना है, मोहन कम हियर, भाई मोहन यहां आ जाओ, या मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन इज माय फ्रेंड, जैसे हमने लिख दिया मोहन इज माय फ्रेंड, तो ये जो हमने मोहन वर्ड लिखा है ये प्रॉपर है, क्योंकि मोहन वर्ड यहां पर किसी टाइप को रेफर नहीं कर रहा है, यहां पे मोहन उस इंडिविजुअल को रेफर कर रहा है जो कि मेरा फ्रेंड है और उसका अपना पर्सनल नेम मोहन है, मतलब पर्सनल नेम मोहन उसके लिए यूज किया जाता है, तो ये जो मोहन है हमारा ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन ये जो मोहन्स लिखा है कॉमन नाउन है,
ठीक है, ये हरिश्चंद लिखा। जब हम देखिए, जब हम डिस्क्रिप्शंस में यूज करते हैं ना प्रॉपर नाउन्स का, आप ये ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे हम हरिश्चंद को यूज कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, यू को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पर हम आइंस्टाइन का यूज कर रहे हैं एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ही। तो जब हम इन प्रॉपर नाउन्स का इस तरीके से यूज करते हैं एज अ डिस्क्रिप्शन, तो ये हमारे कॉमन नाउन्स हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस ही कर रहे थे प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज एज कॉमन नाउन्स, कि प्रॉपर नाउन्स को वी कैन समटाइम यूज एज कॉमन नाउन्स। तो आप इस डिफरेंस को अपना ध्यान रखें कि ये जो यहाँ पर हमने मोहनस लिखा है, हरिश्चंद्र लिखा है, आइंस्टाइन लिखा है, ये प्रॉपर नहीं है, कॉमन नाउन्स है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन्स के तरीके से भी यूज किया जा सकता है टू रेफर टू सम कैटेगरी रादर देन सम इंडिविजुअल। ओके, अच्छा, उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा वाइस वर्सा। अच्छा, वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि इसका रिवर्स भी, ऑपोजिट भी ट्रू होगा। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन्स के तरीके से यूज किया जा सकता है एंड वाइस वर्सा, तो वाइस वर्सा का मतलब हो गया द ऑपोजिट इज ट्रू एज मच, कि इसका जो अपोजिट है वो भी उतना ही ट्रू होगा। अपोजिट का मतलब ये होगा कि अगर हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि ये हीरो, हमने यहां पे एक वर्ड लिखा, हमें पता है कि हीरो इज द कैटेगरी ऑफ पीपल हु फाइट फॉर गुड, जो अच्छाई के लिए लड़ते हैं। ठीक है, द अपोज द बैड थिंग्स, जो गलत चीजों का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं, तो वो हीरो हो गया। बट अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आप लोग जानते भी होंगे कि हीरो जो है ना, दैट इज द नेम ऑफ अ ब्रांड, टू व्हीलर बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम हीरो है। ठीक है, बट टू व्हीलर बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम हीरो है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया उस केस में। ठीक है, या जैसे जैकी श्रॉफ की एक मूवी है हीरो, मीनाक्षी सेसादरी और जैकी श्रॉफ की एक मूवी है हीरो, देन अगर हम उस मूवी को रेफर करने के लिए हीरो टर्म का यूज करें तो ये प्रॉपर है, बिकॉज इट इज रेफरिंग टू सम पर्टिकुलर मूवी, ये उस मूवी का पर्सनल नेम है। हीरो एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं इनको प्रॉपर के तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब ये तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा रेफरेंस चेंज हो गया, भाई ये एक कंपनी का ब्रांड का नाम हो गया, ये मूवी का नाम हो गया, अदरवाइज हीरो को जनरल सेंस में तो कॉमन नाउन ही होता है। लेकिन मैं और एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, देखिए समझिए। जैसे मैंने लिखा ही इज अ मैनेजर, Where is एक मिनट में दूसरा लिख देता हूं। अंकल हेल्प मी, ठीक है, हेल्प्ड मी लिख देता हूं। माई अंकल हेल्प्ड मी। अब देखो यहां पे समझना ध्यान से, ठीक है, जैसे हमने अंकल लिखा यहां भी यहां भी। अब होता क्या है कि जब हम किसी फैमिली नेम को या किसी पोस्ट नेम को, जैसे मैं मैनेजर लिख रहा था ना एग्जांपल, अभी उसको समझा भी दूंगा, जैसे मैनेजर हो गया, आप प्रिंसिपल हो गया, और प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गया, किंग हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये कॉमन नाउन्स होते हैं, लेकिन अगर हम इनका यूज इन प्लेस ऑफ द पर्सन करें, मान लीजिए हम पर्सन, जैसे मेरे अंकल का नाम सपोज मान लेते हैं कमल है, ठीक है, तो अगर मैं अपने अंकल का नाम, चूंकि मैं उनसे छोटा हूं, ठीक है, और मान लीजिए उनका नाम कमल ही है, जो कि नहीं है, मेरे अंकल का नाम कमल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं ऐसा कि अगर उनका नाम कमल है, तो मैं अपने अंकल को नाम लेके तो नहीं पुकारूंगा, उनके बारे में बात करूंगा तो उनका नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उनकी जगह अंकल वर्ड का यूज करूंगा। तो जो अंकल वर्ड है ना, दैट इज रेफरिंग टू सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रेफरेंस वर्ड है, ठीक है, तो उस केस में हम अंकल को प्रॉपर मानेंगे। तो ये जो अंकल हमने लिखा ना बच्चे, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम उनके साथ में डिटर्मिनर माई लिख दें, तो जब हम डिटर्मिनर माई लिख देंगे ना, तो ये डिटर्मिनर जो है ना, ये प्रॉपर नाउन के लिए नहीं यूज होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलरेडी डेफिनेट, वो पहले से ही डेफिनेट होते हैं। तो अगर हम डिफाइन करने के लिए डिटर्मिनर माई लिख रहे हैं, तो अभी अंकल कॉमन नाउन है। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है कि बेसिकली अंकल जो है वह कॉमन नाउन है, लेकिन अगर कोई पर्सन अंकल का यूज अपने अंकल के नाम की जगह पे कर रहा है, ठीक है, या नाम के साथ में कर रहा है, जैसे कि मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं अंकल कमल,
helped me. ठीक है, तो भी अंकल प्रॉपर नाउन का पार्ट हो गया, ये अंकल कमल मिलके ये दोनों प्रॉपर नाउन बन गए, दो वर्ड से मिलके कंपाउंड प्रॉपर नाउन बन गया। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो हमारे फैमिली नेम्स होते हैं, मतलब रिलेशन नेम्स होते हैं, ठीक है, या प्रोफेशन नेम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन डॉक्टर है, कोई पोस्टमैन है, कोई मिनिस्टर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, ठीक है, अगर हम उस पर्सन के नाम के साथ में इन वर्ड्स का यूज करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन का पार्ट हो जाते हैं, अगर हम नाम की जगह पर यूज करेंगे तो भी ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन्स के तरीके से, कॉमन नाउन्स को प्रॉपर नाउन्स के तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं देखिए एक बार आपको समझा देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पे मेन चीज जो हमने सीखनी थी वो ये थी कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं ये पर्सनल नेम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, मतलब ये इंडिविजुअल का डेडिकेटेड नेम होते हैं उसी के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये मतलब एक डेडिकेटेड इंडिविजुअल को रेफर करते हैं। कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल का नेम नहीं होते, वो इंडिविजुअल की कैटेगरी का नेम होते हैं, और कॉमन का मतलब शेयर्ड बाई होता है, प्रॉपर का मतलब वंस ऑन होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट में आते हैं, फिर आगे कलेक्टिव नाउन्स। अच्छा, कलेक्टिव एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसे कि नाम से खुद ही पता चल जाता है कि कलेक्टिव का मतलब है कलेक्शन, ग्रुप, ठीक है, नॉट सम सिंगल बट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ये नेम्स ऑफ कलेक्शन या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, जनरली वो इंडिविजुअल सिमिलर टाइप के होते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट एक कैटेगरी का नेम हो गया। अच्छा, 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने क्लास कह दिया, तो वो स्टूडेंट है ना वो उनका कॉमन एट्रीब्यूट हो गया, स्टूडेंट होना उनमें सिमिलरिटी हो गई, और उस सिमिलरिटी के बेसिस पे एक ग्रुप बन गया जिसको हम क्लास कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ये नेम्स ऑफ ग्रुप्स, नेम्स ऑफ कलेक्शंस होते हैं, और इंडिविजुअल्स के ग्रुप या कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, और वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे यूजली हैव समथिंग सिमिलर इन देम, वो उनमें कुछ सिमिलर होता है जिसके बेसिस पे ग्रुप्स वो बन जाते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू सम कंप्लीट होल ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, एक जैसे इंडिविजुअल्स के कंप्लीट होल को, मतलब जब उनके ग्रुप को एज अ कंप्लीट होल, होल का मतलब कंप्लीट टोटल, जब हम रेफर करते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे हर्ड है, ठीक है, फैमिली है, अब देखिए अंकल है, आंट है, ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है, ठीक है, ये सब क्या है, नेम्स ऑफ रिलेशंस हैं। अच्छा, इन सारे रिलेशन नेम्स का मतलब एक ग्रुप बन गया, उसको हमने कह दिया फैमिली। ठीक है, तो फैमिली क्या होता है, फैमिली मतलब, फैमिली बता रहा हूं मैं आपको, कलेक्टिव नाउन जो होता है वो नेम ऑफ ग्रुप और नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स होता है। ठीक है, जब हम एक कलेक्शन को जो कि एक टोटल हो इंडिविजुअल्स का, उसको रेफर करने के लिए कोई रेफरेंस वर्ड यूज करते हैं तो वो रेफरेंस वर्ड कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ठीक है, बंच हो गया, फ्लावर्स का हो गया, कीज का हो गया, टीम है प्लेयर्स का। ठीक है, अब जैसे धोनी प्लेयर, विराट कोहली प्लेयर, और जसप्रीत बुमराह प्लेयर, ठीक है, रोहित शर्मा प्लेयर, मतलब ऋषभ पंत प्लेयर, बहुत से हैं वो तो। ठीक है, तो वो सारे प्लेयर्स एक साथ में जब खेल रहे हैं तो वो एक टीम बन गई। ठीक है, और वो टीम उनका कलेक्टिव नाउन हो गया, क्लास हो गया, ज्यूरी हो गया, आर्किपलेगो हो गया, एवेंजर्स हो गया, कांग्रेस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कलेक्टिव नाउन। अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस इतना होता है कि कॉमन नाउन कैन रेफर टू एनी और एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, कॉमन नाउन जो होता है उसका यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं, टू रेफर टू एनी और एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, उस ऑफ द ऑफ अ टाइप, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है तो हम इसको स्टूडेंट कहेंगे। ठीक है, दो स्टूडेंट है तो हम इसे स्टूडेंट्स कह देंगे, प्लूरल नंबर यूज कर लेंगे। तो एनी का मतलब एक को भी रेफर कर सकते हो आप उसके थ्रू, दो को भी रेफर कर सकते हो, तीन को भी रेफर कर सकते हो, और टोटल को भी कर सकते हो। मान लो कोई एक स्कूल है, ठीक है, और उस स्कूल में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स हैं उस स्कूल में, ठीक है, और हमें इनमें से केवल एक को रेफर करना है तो हम स्टूडेंट कहेंगे, इनमें से कुछ को रेफर करना है दो चार को तो भी हम स्टूडेंट्स ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, इन सबको रेफर करना है तो भी हम स्टूडेंट्स ही कहेंगे। आई बात समझ में? तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स के थ्रू हम एनी और एवरी को रेफर कर सकते हैं। एनी और एवरी का मतलब चाहे तो सबको भी रेफर करने के लिए कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, या सबको नहीं रेफर करना है, कुछ को ही रेफर करना, मान लो उनमें से किसी एक को रेफर करना है, या उनमें से पांच को रेफर करना है, आधे को रेफर करना है, तो भी हम कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड और इज यूज्ड टू रेफर टू एनी और एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ टाइप।
किसी एक टाइप के जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन सबको रेफर करना है तो भी कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं, उनमें से कुछ को रेफर करना है, एनी का मतलब कोई भी किसी को भी, तो भी कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं। लेकिन कलेक्टिव के साथ में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का यूज ना हम एनी और एवरी के लिए नहीं करते, इसका यूज हमेशा टोटल के लिए करते हैं। कलेक्टिव नाउन तो जो होता है वो हमेशा कंप्लीट होल। कंप्लीट होल टोटल को रेफर करना होता तभी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब ये जो पूरा है ना, मान लीजिए ये, मान लीजिए कोई एक क्लास है, उस क्लास में ये इतने स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से एक को रेफर करना है तो स्टूडेंट कह दिया, कुछ को रेफर करना है तो स्टूडेंट्स कह दिया, सबको रेफर करना है तो भी स्टूडेंट्स कह दिया। लेकिन जब सबको रेफर करना है तो अगर हम चाहें तो उसको क्लास भी कह सकते हैं। तो क्लास जो कलेक्टिव नाउन है वो हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमें कंप्लीट होल को रेफर करना होगा। अगर हमें कंप्लीट से कम को रेफर करना है तो फिर हमें उसके लिए कॉमन नाउन का यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये 10-15 प्लेयर्स की एक टीम है, ठीक है, ठीक। तो ये सारे प्लेयर्स हैं टोटल, ये सारे प्लेयर्स हैं और इन सारे टोटल प्लेयर्स का एक ये ग्रुप बन गया, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे टीम, तो टीम हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अच्छा अब लेकिन मान लेते हैं ऐसा नहीं है, हमें इनमें से किसी एक को रेफर करना है केवल, तो हम उसको कहेंगे प्लेयर, क्योंकि वो टोटल ग्रुप तो है नहीं, कंप्लीट तो रहा नहीं, वो तो एक पार्ट है इसका, तो हम उसे कहेंगे प्लेयर, कॉमन नाउन के थ्रू रेफर करेंगे। या मान लो हमें इनमें से कुछ को रेफर करना है, एक को नहीं, एक से ज्यादा को रेफर करना है, चार पांच को, लेकिन ये चार पांच टोटल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो भी हम इसको कॉमन नाउन के थ्रू रेफर करेंगे प्लेयर्स, ठीक है। अब मान लो हमें इन सबको ही रेफर करना है टोटल में, तो जैसे हमने टीम यूज किया था कलेक्टिव नाउन, वैसे अगर हम चाहें तो प्लेयर्स भी यूज कर सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो जब हमें कंप्लीट ग्रुप को रेफर करना है, टोटल ग्रुप को रेफर करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, इधर यूज अ कॉमन नाउन इन प्लुरल नंबर, ठीक है, और यू यूज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक। अच्छा उसके बाद में क्या है कि अगर हमें कंप्लीट ग्रुप को नहीं, उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स को ही रेफर करना है, एनी को रेफर करना है, टोटल को नहीं, ठीक है, तो फिर आप हमेशा कॉमन नाउन यूज करेंगे, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा दूसरी बात यहां पे क्या ध्यान रखनी, कि जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी कैटेगराइज इनटू प्रॉपर एंड कॉमन कलेक्टिव नाउन्स। जैसे अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, प्रॉपर और कॉमन नाउन्स पढ़े, तो अभी ध्यान क्या रखना कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं हम इनको भी प्रॉपर और कॉमन कलेक्टिव नाउन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब अगर आप कलेक्टिव नहीं फिर से वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं इनको हम प्रॉपर में और कॉमन में सब कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, नगर पालिका कहते हैं, नगर परिषद कहते हैं, क्या होता है अपना देख लेना। म्यूनिसिपल काउंसिल क्या होती है, एक कमेटी होती है लोगों की जिनको जनता चुनती है और वो उनके क्षेत्र में मतलब जैसे बिजली पानी रोड वगैरह की देखभाल करते हैं, ठीक है, मतलब मैनेज करवाते हैं, तो ये म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया। तो ये कॉमन नाउन है क्योंकि म्यूनिसिपल जो काउंसिल है वो तो जयपुर में भी है, कानपुर में भी है, दिल्ली में भी है, ठीक है, दिल्ली में पहले एक थी, अब तो मुझे लगता है एनडीएमसी मिला लें तो पांच हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट तो है ही है, एनडीएमसी भी है। तो म्यूनिसिपल काउंसिल एक कॉमन ग्रुप है, काउंसिल है तो इसका मतलब एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है, और ये कलेक्टिव नाउन कॉमन टाइप का है कि म्यूनिसिपल काउंसिल कौन से शहर का है, दिल्ली की बात हो रही है, कोलकाता की बात हो रही है, जयपुर की बात हो रही है, पटना की बात हो रही है, कानपुर की बात हो रही है, इंदौर की बात हो रही है, भोपाल की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, म्यूनिसिपल काउंसिल कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ एमसीडी, म्यूनिसिपलिटी काउंसिल ऑफ दिल्ली, एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, तो ये अब प्रॉपर नाउन है, मतलब ये कलेक्टिव नाउन ये भी है लेकिन दीज आर प्रॉपर कलेक्टिव नाउन्स। तो ये ध्यान देना कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये प्रॉपर और कॉमन दोनों टाइप के हो सकते हैं। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं जो कॉमन होंगे, मतलब मैं एक एग्जांपल से आपको और समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए एक मकान है, एक घर है, उसमें चार पांच लोग रहते हैं, वो एक फैमिली हो गए, ये हो गए फैमिली ए। अब दूसरा मकान है, दूसरा घर है, उसमें भी चार पांच लोग रहते हैं, ये उनकी अपनी फैमिली हो गई, ये हो गई फैमिली बी। इसी तरीके से एक तीसरा मकान हो गया, ये हो गई फैमिली सी। तो ये फैमिली कैसा नाउन है, फैमिली कलेक्टिव नाउन है ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि फैमिली का यूज हम सिंगल इंडिविजुअल के लिए नहीं करते, ठीक है, ग्रुप के लिए करते हैं, लेकिन ये कॉमन टाइप का कलेक्टिव नाउन है क्योंकि फैमिली तो जैसे आपकी है वैसे आपके पड़ोसी की भी, वैसे आपके दोस्त की भी है, आप दोस्त के दोस्त की है, ठीक है, तो फैमिली तो कॉमन नाउन है, मतलब कॉमन टाइप का कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है बट कॉमन, ठीक है। अच्छा उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे लिखा
देखो एक वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा कांग्रेस, ये कांग्रेस का मतलब आप यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ना समझें, ठीक है, ये राहुल गांधी सोनिया गांधी जी वाली वो वाली कांग्रेस की बात नहीं हो रही। कांग्रेस जो होता है ना एक कमिटी होती है पार्लियामेंट की, मतलब जैसे यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में होता है, ठीक है, तो कांग्रेस एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जिसको गवर्नमेंट को मतलब वो मेंबर्स जो होते हैं कांग्रेस के जैसे काउंसिल होती है उसी तरीके से, और उसको मतलब पब्लिक वोट करके चुनती है, ठीक है। तो कांग्रेस जो है ना, अगर हम मान लीजिए अमेरिका की बात करें, तो अगर हम अमेरिका के रेफरेंस में बात करें तो कांग्रेस वोटेड अगेंस्ट द बिल, ठीक है, तो द कांग्रेस इज अ प्रॉपर नाउन। अगर मान लीजिए हम अमेरिकन कांग्रेस की बात करें, अमेरिकन पार्लियामेंट में जो कांग्रेस है, या जो जैसे ब्रिटेन में होते हैं द हाउस ऑफ कॉमन्स, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो वो भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो प्रॉपर टाइप के कलेक्टिव नाउन है वो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रेफर कर रहे हैं। द हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक पार्ट को रेफर कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर है, पर्सनलाइज नेम है वो, ठीक है, तो वो प्रॉपर हो गया, कलेक्टिव नाउन है, बट प्रॉपर टाइप का कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। या जैसे अगर हम अमेरिका के संदर्भ में बात करें, तो अगर द कांग्रेस हम कहें, ठीक है, द प्रेसिडेंट कुड नॉट कन्विंस द कांग्रेस, तो द कांग्रेस इज रेफरिंग टू सम पर्टिकुलर कमिटी ग्रुप, तो ये प्रॉपर टाइप का हो गया। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा एवेंजर्स, वैसे तो एवेंजर्स एक प्रॉपर नाउन है, व्हेन इट इज अ प्रॉपर नाउन इट इज द नेम ऑफ अ मूवी, ठीक है, बट अदरवाइज एवेंजर्स इज अ ग्रुप, इज अ टीम, एवेंजर्स एक टीम का नाम है, मतलब जब हम मूवी देखने जाते हैं तो अलग बात है वो मूवी का नाम हमने एवेंजर्स कह दिया, लेकिन अगर हम थोड़ी दिमाग के लिए मूवी हटा दें दिमाग से, हम मान लें कि वो एवेंजर्स मूवी नहीं है, वो एक रियलिटी है, मतलब इसी तरीके की सिचुएशन कहीं पे रियली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो एवेंजर्स क्या है, एवेंजर्स एक टीम है, एक ग्रुप है, ठीक है। अच्छा अब वो ग्रुप है उन पर्टिकुलर लोगों को रेफर करता है जिसमें वो टोनी स्टार्क हो गया आपका, ब्रूस वेनर हो गया आपका, थॉर हो गया, ठीक है, वो सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन्स को हम प्रॉपर और कॉमन में कैटेगराइज कर सकते हैं, ध्यान रखना, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी है, ठीक है। खैर उसके बाद आगे मटेरियल नाउन्स। अच्छा देखिए अभी तक जो हमने नाउन्स डिस्कस किया, जैसे हमने कॉमन प्रॉपर डिस्कस किया, ठीक है, हमने डिस्कस किया प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, ठीक है, तो ये नाउन्स जो होते हैं ना ये रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स, ठीक है, आप इंडिविजुअल का अपना पर्सनल नेम हो गया प्रॉपर, इंडिविजुअल की कैटेगरी का नेम हो गया कॉमन, इंडिविजुअल्स के कंप्लीट टोटल का नाम हो गया कलेक्टिव, तो दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। अच्छा लेकिन फिर कुछ ऐसे भी रेफरेंस वर्ड्स होते हैं जो ऐसी चीजों को रेफर करते हैं जिनको हम इंडिविजुअलिटी के बेसिस पर कैटेगराइज नहीं कर सकते, दे डोंट हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, उनमें इंडिविजुअल आइडेंटिटीज नहीं होती हैं, ठीक है, वो मटेरियल होते हैं, वो लॉट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको ऐसा समझाता हूं, मान लीजिए ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और ये एक लेक है। अब ऑब्वियस ही बात है ये लाइब्रेरी है तो इसमें बुक्स होंगी, ठीक है, और ये लेक है तो इसमें वाटर होगा। अब देखिए बुक्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, बुक्स में क्या होता है, बुक्स में इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, भाई इस टाइटल की बुक, इस ऑथर की बुक, इस लैंग्वेज की बुक, इस सब्जेक्ट की बुक, तो जो बुक्स है ना, बुक्स बुक्स हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी, बुक्स की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है कि कौन सी लैंग्वेज की बुक, कौन से ऑथर की बुक, कौन से सन में छपी बुक, कौन से एडिशन की बुक, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की बुक, तो दे हैव गॉट इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कॉमन नाउन है बुक, ठीक है। लेकिन जो वाटर है ना, वाटर की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, कि जैसे मान लीजिए लेक में वाटर भरा है, तो उस वाटर को ना हम इंडिविजुअल में कैटेगराइज करके नहीं देख सकते, दिस वाटर, दैट वाटर, दैट वाटर, क्योंकि बिकॉज वाटर एग्जिस्ट इन अ लॉट, वो एक लॉट में एग्जिस्ट करता है, वो सेपरेट इंडिविजुअल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो यह है मटेरियल, ठीक है। तो जैसे कॉमन है, प्रॉपर है और कलेक्टिव है, ये नाउन्स होते हैं रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन हमें कई बार ऐसी चीजों को भी रेफर करना होता है, हमारे आसपास में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो एज अ लॉट एग्जिस्ट करती हैं, ये होती है मैटेरियल, ठीक है। तो मैटेरियल नाउन्स जो होते हैं, दीज आर द नेम ऑफ सब्सटेंसेस विच एग्जिस्ट इन फॉर्म इन अ फॉर्म ऑफ लॉट, वो लॉट, लॉट का मतलब होता है ढेर, ठीक है, उसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपके मटेरियल नाउंस हो गए। अच्छा इनके बारे में देखिए मैं आपको वर्ड बता देता हूं, ध्यान रखेंगे, जैसे ये जो मटेरियल वर्ड होते हैं ना, मैटर से बना,
ठीक है। अच्छा, जो हम एक इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं मदर, मदर और मैटर का ना रूट वर्ड सेम है, मतलब इनका ओरिजिन वर्ड सेम है। तो मैटेरियल जब हम कहते हैं तो मैटेरियल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस से विच आर यूज्ड टू मेक सम अदर थिंग्स, जिनकी मदद से हम दूसरी चीजों को बनाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये मेरा टी शर्ट है, कॉटन का बना हुआ है, तो कॉटन इज द मटेरियल दैट दिस शर्ट हैज बिन मेड ऑफ। ओके, और जैसे ये बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये ग्लास का इसका फ्रंट बना हुआ है, बाकी ये स्टील बॉडी है। ठीक है, तो स्टील और ग्लास क्या है, ये मटेरियल है जिससे ये बोर्ड बनाया गया। ठीक है, ये जैसे ये डायस है मेरे सामने, ठीक है, तो इट इज मेड ऑफ वुड, तो वुड इज द मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि मटेरियल नाउन्स जो होते हैं वो जनरली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर यूज टू मेक सम अदर थिंग्स। ओके, एट सम टाइम वी डोंट मेक एनीथिंग, सम टाइम वी यूज देम और कंज्यूम देम इन देयर रॉ फॉर्म। कई बार हम उनको उनकी रॉ फॉर्म में ही कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, उनसे नहीं कुछ बनाते। जैसे पेट्रोल है, अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, अब हम पेट्रोल का बैठ के कुछ बनाएंगे तो नहीं, तो गाड़ी में पड़ा और हमने गाड़ी ऑन की, वो ऐसे ही कंज्यूम हो जाता है, ऐसे ही यूज हो जाता है। वाटर है, ठीक है, वाटर को हम डायरेक्ट पी लेते हैं। तो देयर आर सम सब्सटेंसेस विच आर यूज इन देयर रॉ स्टेट, वो अपनी रॉ स्टेट में ही कंज्यूम या यूज हो जाते हैं, बट ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनकी मदद से हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं, अदर थिंग्स बना लेते हैं। ठीक है, फूड आइटम्स वगैरह जो होते हैं वो भी इसी टाइप के होते हैं। तो मटेरियल नाउन्स जो होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, नेम गिवन टू सम सब्सटेंस विच अदर थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे बाकी चीजों को बनाया जाता है। और मटेरियल और मदर कॉमन रूट वर्ड होते हैं, ये ध्यान देने का, रूट वर्ड कॉमन होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं, जैसे क्लॉथ है। ठीक है, अब देखिए, आपने पढ़ा होगा क्लॉथ की दो स्पेलिंग होती है, एक होता है CLOTH और एक होता है CLOTHE। ठीक है, इसको हम प्लूरल करके क्लॉथ भी लिख सकते हैं। अब इसमें होता है क्या, ये होता है मेटेरियल नाउन, ये रेफर करता है रॉ मटेरियल को, जिससे मतलब जैसे जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, टी शर्ट बनाई गई, पैंट बनाई गई, कोट बनाया गया, शर्ट बनाई गई, ऐसे। ठीक है, और ये जो क्लॉथ होता है ना, ये होता है कॉमन नाउन एंड इट रेफर्स टू फिनिश्ड ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो क्लॉथ है ये रॉ मटेरियल है, और इस रॉ मटेरियल से मान लीजिए हमने कुछ बना दिया, शर्ट बना लिया, ठीक है, या जीन्स बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो वो क्लॉथ ही कॉमन नाउन हो गया। इसको हम क्लॉथ लिख सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि वो मटेरियल है, अनकाउंटेबल होता है। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ही रखना है हमें कि मटेरियल नाउन्स आर यूजली यूज्ड टू मेक सम अदर थिंग। अब जैसे पेपर है, इट इज अ मटेरियल दैट वी मेक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नोटबुक्स, डायरीज, कैलेंडर्स। ठीक है, शुगर है, फूड आइटम है, मिठाई भी बनाते हैं शुगर से, चीनी से मिठाई बनाते हैं, कैंडीज बनाते हैं। ठीक है, और नहीं कुछ बनाते तो ऐसे ही खा जाते हैं कई बार, ठीक है, मन हुआ तो। सोप है, ब्रेड है, फूड आइटम्स मोस्टली जो होते हैं दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ठीक है, वो मटेरियल नाउन के कैटेगरी में ही होते हैं, ब्रेड है, शुगर है, घी है, ऑयल है, फ्लोर है, राइस है, ये सब। ठीक है, स्टोन है, कॉपर है, लेदर है, ब्लड है, एयर है, वाटर है। देखिए, हालांकि जब मैं एयर के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ, समटाइम पीपल कंसीडर एयर अ कॉमन नाउन, कई बार वो एयर को, सॉरी कॉमन बता रहा हूँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वी कांट सी इट, तो ये कॉमन अब्स्ट्रैक्ट हो गया, हम देख नहीं पाते। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लेने से वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, और नहीं देख पाएंगे तो अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट द लॉजिक, ये लॉजिक काम नहीं करता, ये बेकार की बातें हैं। ठीक है, इट इज अ मेटेरियल, और मैं आपको समझा देता हूँ मेटेरियल क्यों है। ठीक है, देखिए, अगर आपने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि मैटर इज समथिंग, मैटर इज अ सब्सटेंस एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, मैटर हम कहते हैं ऐसी चीजों को जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनमें मास होता है, भार होता है। ठीक है, द्रव्यमान होता है, सॉरी। ठीक है, एयर हैज बोथ दिस प्रॉपर्टीज, एयर में ये दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, एंड एयर हैज मास, एयर में मास भी होता है। ठीक है, तो एयर जो है ये भी आपका सब्सटेंस होता है। ठीक है, और वाटर तो सब्सटेंस होता ही है, यहां तक आ गया। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है, और कॉमन नाउन जो होते हैं दे आर यूज टू रेफर टू एनी और एवरी इंडिविजुअल, बट कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज यूज टू रेफर टू अ कंप्लीट होल ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, एंड कलेक्टिव नाउन्स कैन ऑल्सो भी कैटेगराइज इन टू कॉमन एंड प्रॉपर। मेटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, दिस सब्सटेंसेस कुड बी इन सॉलिड फॉर्म, दिस कुड बी इन लिक्विड फॉर्म, दिस कुड बी इन गैसियस फॉर्म। ओके,
तो ये आपके हो गए। अच्छा, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखते हैं। फिफ्थ आ गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको अब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझा देता हूं। अब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो होता है ना, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉन ऑफ, ड्रॉन ऑफ। ऑफ का मतलब होता है डिटैच कर देना किसी, मतलब ड्रॉन ऑफ, ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, निकालना। ऑफ का मतलब होता है उससे डिटैच कर देना, मतलब उससे सेपरेट कर देना। ऑफ सोर्स सेपरेशन, ये हमेशा ध्यान रखना कि ओ डबल एफ ऑफ सोर्स सेपरेशन, ठीक है। तो ड्रॉन ऑफ का मतलब समथिंग विच हैज बीन सेपरेटेड, जो किसी से खींच के अलग कर दिया गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है राम, एक पर्सन है श्याम, एक पर्सन है कमल, एक पर्सन है सरल, ठीक है। राम ऑनेस्ट है, श्याम ऑनेस्ट है, कमल ऑनेस्ट है, सरल भी ऑनेस्ट है। अब देखो, अगर कमल भी ऑनेस्ट है, श्याम भी ऑनेस्ट है, सरल भी ऑनेस्ट है, राम भी ऑनेस्ट है, तो इसका मतलब ऑल दीज हैव गॉट अ कॉमन एट्रीब्यूट। इनमें सब में कॉमन एट्रीब्यूट है, तभी इनको सबको हम सेम एडजेक्टिव ऑनेस्ट से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज दैट एट्रीब्यूट, क्या है वो एट्रीब्यूट जिसकी वजह से हम इन्हें ऑनेस्ट कह रहे हैं? दैट एट्रीब्यूट इज ऑनेस्टी। अब देखिए, ऑनेस्टी राम को रेफर नहीं कर रहा, ऑनेस्टी श्याम को रेफर नहीं कर रहा, ऑनेस्टी कमल को या सरल को रेफर नहीं कर रहा, ऑनेस्टी रेफर कर रहा है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो है इनमें सब में, लेकिन वो इनसे अलग है। क्योंकि अगर मान लो ऑनेस्टी राम को रेफर करता तो श्याम के लिए नहीं हो पाता, श्याम को रेफर करता तो फिर राम के लिए नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ऑनेस्टी इज नॉट रेफरिंग टू राम, श्याम, कमल, सरल। तो ऑनेस्टी जो है ये रेफरेंस ऑफ दीज इंडिविजुअल्स नहीं है, ये रेफरेंस ऑफ समथिंग अदर देन दिस इंडिविजुअल्स है। मतलब ये किसी ऐसी चीज को रेफर कर रहा है जो इनमें है, लेकिन वो राम श्याम नहीं है, इनसे डिफरेंट है। ये होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ड्रॉन ऑफ, कि ऑनेस्टी जो है ना, ये एक ऐसा रेफरेंस वर्ड है जो इनको नहीं, इनसे सेपरेट किसी थिंग को रेफर कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ ड्रॉन ऑफ नाउन। ड्रॉन ऑफ का मतलब उससे निकाल के बाकी जो बच गया उसको रेफर करने के लिए यूज हो रहा है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ड्रॉन ऑफ होता है, ये ध्यान रखना, और इस ड्रॉन ऑफ का मतलब यही होता है, ठीक है। अ नेम गिवन टू सम एट्रीब्यूट विच इज अदर देन इट्स पजेसर, मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि उसके पजेसर से डिफरेंट थिंग को रेफर करे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, स्टील हार्ड है, आयरन हार्ड है, एल्यूमिनियम भी मान लेते हैं हार्ड है, ठीक है, या जो भी जिंक वगैरह मान लेते हैं हार्ड है। सपोज जिंक तो शायद नहीं होता हार्ड, लेकिन फिर भी मान लेते हैं हार्ड। अब जो हार्ड, अगर हम इन सारे मेटल्स को कह रहे हैं, तो इसका मतलब ऑल दीज मेटल्स मस्ट हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट, इनमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट होगा, वो कॉमन एट्रीब्यूट हो गया हार्डनेस। तो हार्डनेस है ना, ये एक रेफरेंस है थिंग का। अच्छा, वो थिंग जो है वो ना तो जिंक है, ना आयरन है, ना स्टील है, इनसे अलग है लेकिन इनके अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो इससे पहले जो हमने नाउन्स डिस्कस किए उनमें लाई करते हैं, कॉमन प्रॉपर मटेरियल इनमें लाई करते हैं, बट वो उनसे डिफरेंट थिंग होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या, देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने यहां पे लिखा फ्रीडम, ये एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट है। सपोज आई हैव फ्रीडम, यू हैव फ्रीडम, ही हैज फ्रीडम, शी हैज फ्रीडम, एवरीवन हैज फ्रीडम, बट फ्रीडम इज नथिंग, ठीक है। फ्रीडम कोई मतलब सब्सटेंशियल चीज नहीं है। सब्सटेंशियल का मतलब जिसको हम टच कर पाए, देख पाए, उठा पाए, पटक पाए, खींच पाए, धकेल पाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मतलब कोई इसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, ये हमेशा लाई करेगा किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन ये जिसके रेस्पेक्ट में आप यूज कर रहे हो, जैसे मेरे रेस्पेक्ट में आप फ्रीडम वर्ड यूज कर रहे हो, लेकिन फ्रीडम मैं नहीं हूं, फ्रीडम मेरे एट्रीब्यूट का नाम है। विच एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो यहां पे ध्यान देना है कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, ये ऐसे मतलब एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी अपनी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, इनमें कोई कलर, शेप, साइज कुछ नहीं होता। आप इनको तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते, रख नहीं सकते, खींच नहीं सकते, धकेल नहीं सकते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी फिजिकल एट्रीब्यूट। उनमें कोई फिजिकल एट्रीब्यूट, कोई कलर, शेप, साइज, डायमेंशन, वेट, मास कुछ नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखना पहली बात। और ये एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि क्लैरिटी है। क्लैरिटी क्या है, जैसे वाटर भी क्लियर है, ठीक है, पेट्रोल भी क्लियर है, मिल्क भी क्लियर है, स्काई भी क्लियर है। तो ये सब जो थिंग्स हैं जिनको हम क्लियर कह रहे हैं, इनमें कोई एक एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से इन्हें क्लियर कहा जा रहा है। वो जो एट्रीब्यूट है वो क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा मतलब
एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव में लाई करते हैं बट उनसे डिफरेंट थिंग को रेफर करते हैं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट ऑफ क्वालिटी हो गया, एंग्जाइटी एट्रीब्यूट ऑफ मेंटल स्टेट हो गया, ब्यूटी एट्रीब्यूट ऑफ अपियरेंस हो गया, ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ अपियरेंस कि कोई कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, ठीक है, सॉफ्टनेस एट्रीब्यूट ऑफ टच हो गया, बिलीफ मेंटल एट्रीब्यूट हो गया, तो यहां पे हमें ये ध्यान देना है, एश्योरेंस एट्रीब्यूट ऑफ एक्शन हो गया, हैट्रेड एट्रीब्यूट ऑफ एक्शन हो गया, जॉय एट्रीब्यूट ऑफ फीलिंग हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं ये इंटेंजिबल होते हैं, यू कैन नॉट टच देम, यू कैन नॉट सी देम, आप उनको देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये जनरली नेम किसका होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये होते हैं नेम्स ऑफ स्टेट्स। स्टेट का मतलब है अवस्था, जैसे हमने यहाँ पे फ्रीडम लिखा, फ्रीडम इज द नेम ऑफ स्टेट, ये अवस्था का नाम है, ठीक है। स्लेवरी है, पॉवर्टी है, ठीक है, ओल्ड एज है, चाइल्डहुड है, ठीक है, दीज आर स्टेट्स, कंफ्यूजन है, एंग्जाइटी है, दीज आर द नेम्स ऑफ स्टेट्स, कॉन्फिडेंस है, नेम ऑफ स्टेट, ठीक है, दीज आर द नेम्स ऑफ स्टेट्स, नेम्स ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, नेम्स ऑफ क्वालिटीज, जैसे हमने ऑनेस्टी लिखा था, ऑनेस्टी इज द नेम ऑफ क्वालिटी, ब्रेवरी इज द नेम ऑफ क्वालिटी, काइंडनेस इज द नेम ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्लैरिटी इज द नेम ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो स्टेट्स हैं, फीलिंग्स हैं, क्वालिटी है, ठीक है, आपका उसके बाद में एक्शंस हैं, होप, होप इज द नेम ऑफ एन एक्शन, होप करना मतलब एक स्टेट है, सॉरी होप तो स्टेट एक्शन नहीं है, रन है, डांस है, ठीक है, एश्योरेंस है, दीज आर द नेम्स ऑफ एक्शंस। तो नेम्स ऑफ एक्शंस हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज हैं, स्टेट्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनकी अपनी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब ये टाइप्स ऑफ नाउन्स हमने डिस्कस किए फाइव। अब इसके बाद में एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि द सेम नाउन मे बिलोंग टू मोर देन वन टाइप अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, कि जैसे एक ही नाउन है अगर हम उसको चाहें तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं, मतलब हम एक ही वर्ड को, एक ही नाउन को एज अ प्रॉपर नाउन, एज अ कॉमन नाउन या एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको लास्ट वाली क्यों समझा रहा हूँ, ये लास्ट बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आप बातों को याद ना करें। मैंने जो आपको समझाया है कि प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट इनका मतलब डिफरेंसेज इनके क्या होते हैं वो आप समझें, याद ना कर लें, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्ड को याद ना कर लें कि पर्टिकुलर इस टाइप का है तो यही होगा कुछ और नहीं होगा, ठीक है। जैसे यूज जो होता है ना वो डिफाइन करता है, मतलब आप किसी वर्ड का यूज किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो वो कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उस नाउन का टाइप क्या है। ये नहीं कि हमने पहले से याद करके बैठ गए कि वाटर जो है ये मेटेरियल नाउन है, ठीक है। देखिए भाई, है पता क्या, वाटर जो है ना वो एक मूवी का नेम भी है, दीपा मेहता की मूवी है, शायद स्टार्ट नहीं हो पाई, प्री प्रोडक्शन में ही खत्म हो गई, वाटर, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन भी है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो ये डिसाइड करता है। आप वाटर का यूज कर रहे हो लिक्विड के लिए, दैट वी ड्रिंक, तो ये आपका मटेरियल नाउन है। अगर वाटर का यूज आप कर रहे हो टू रेफर टू द मूवी, मूवी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो यहां पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि आप एक ही वर्ड को, एक ही नाउन को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हो। मैं यहां पे ये बात आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझें। देखिए यहां पर हमने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं और इन तीनों सेंटेंसेस में एक वर्ड हमने हिस्ट्री यूज किया, ठीक है। सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव गॉट फुल मार्क्स इन हिस्ट्री, मैनी पीपल थ्रू आउट हिस्ट्री हैव ड्रीम्ड ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट वॉर, दिस सो कॉल्ड स्कॉलर्स आर राइटिंग अ न्यू हिस्ट्री ऑफ यूरोप। अब देखिए यहां पे समझना होता क्या, जैसे जो हिस्ट्री है एक ब्रांच ऑफ स्टडी होती है, सबको पता है कि ब्रांच ऑफ स्टडी है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, पैलियंटोलॉजी है, ये सब क्या है, ये ब्रांचेज ऑफ स्टडी है। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं आप ध्यान रखेंगे ये सब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, स्टडीज होती है ना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा मैनी पीपल थ्रू आउट हिस्ट्री हैव ड्रीम्ड ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट वॉर, तो ये जो हिस्ट्री वर्ड हमने यहाँ पे लिखा ना बच्चे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। अच्छा, लेकिन अब होता क्या, जैसे कोई सब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल्ड है, मान लीजिए आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो आपका जो सिलेबस है 9th या 10th का, उसमें देखिए एक साइंस सब्जेक्ट है जिसका आप एग्जाम देंगे, जिसकी स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और एग्जाम भी देंगे, इंग्लिश भी हो गया, ठीक है, मैथ्स भी हो गया, ठीक है, हिंदी भी हो गया और सोशल स्टडीज भी हो गया।
अब जैसे अगर हम नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसके कॉन्टेक्स्ट में साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और सोशल स्टडीज की बात करें तो ये प्रॉपर नाउंस है। तो ये प्रॉपर नाउंस है और इनको हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ में लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से मान लीजिए हमने नाइन्थ का एग्जाम्पल लिख दिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए नाइन्थ की बात नहीं कर रहे, आप टेंथ की कर रहे हैं, इलेवंथ की कर रहे हैं, ट्वेल्थ की कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी की कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में लिस्टेड है तो जब हम उस सब्जेक्ट को रेफर करेंगे उस कोर्स के रिलेशन में तो वो प्रॉपर है, उसको आपको कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम किसी सब्जेक्ट को रेफर करें जनरल सेंस में, जनरल सेंस का मतलब किसी पर्टिकुलर कोर्स से रिलेट ना करके जनरल की बात करें, जैसे अगर हम मैथ्स इन जनरल की बात करें, ठीक है, या हम साइंस इन जनरल की बात करें, या अगर हम सोशल स्टडीज इन जनरल की बात करें, या हम ज्योग्राफी इन जनरल की बात करें, तो ये कॉमन नाउंस हैं, तो ये आपके कॉमन नाउंस हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि जो आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं अगर हम उनको जनरल सेंस में रेफर करें तो ये आपके, एक मिनट सॉरी कॉमन गलत लिख गया, ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउंस हैं, फिजिकल फॉर्म नहीं होते ना इनके, कुछ इनकी फिजिकल आइडेंटिटी भी नहीं होती, तो ये अब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर कोर्स से, जो किसी एक पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो उसी कोर्स से रिलेटेड है, मतलब उनका सिलेबस डिफाइन होता है कि नाइन्थ में भाई इस चैप्टर से लेकर इस चैप्टर तक आपका साइंस का सिलेबस है, तो ये आपके प्रॉपर होते हैं, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब देखो जैसे ये मान लीजिए कोई हिस्ट्री का टीचर है, मान लीजिए कोई पर्सन है हिस्ट्री का टीचर है, हिस्ट्री टीचर है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उन्होंने लिखा सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव गॉट फुल मार्क्स इन हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री हो गया प्रॉपर, क्योंकि ये उस क्लास की बात कर रहे हैं जिस क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे। ये हिस्ट्री हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि हिस्ट्री की बात यहाँ पे जनरल सेंस में हो रही है, पास्ट इवेंट्स, ठीक है। फिर हमने लिखा दे आर सो कॉल्ड, दिस सो कॉल्ड स्कॉलर्स आर राइटिंग अ न्यू हिस्ट्री ऑफ यूरोप। अब देखो ऑफ यूरोप लिख के ना हमने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया हिस्ट्री को, भाई ऑफ यूरोप लिख के हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को कैटेगराइज कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ हिस्ट्री। तो अभी जो हिस्ट्री है ना ये कैटेगराइज हो गया। अच्छा आपने अगर बीच में ध्यान दिया हो तो हमने पढ़ा था कि ऐसे वर्ड्स जो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को रेफर करते हैं, ठीक है, वो कॉमन होते हैं, मतलब नेम ऑफ अ कैटेगरी इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये जो हिस्ट्री हमने वर्ड लिखा ना बच्चे, अब ये वाला कॉमन हो गया। अच्छा चूंकि ये कॉमन है, कॉमन नाउंस काउंटेबल होते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इसी वजह से देखो हमने यहाँ पे आर्टिकल ए लिख रखा है, ठीक है, ये तो अब्स्ट्रैक्ट है, अनकाउंटेबल होता है, उसके साथ तो ए लिख नहीं सकते, ठीक है, और ये तो प्रॉपर ही है, प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल वैसे ही नहीं यूज होते, तो यहाँ पर भी नहीं लिखा, ठीक है। तो ये प्रॉपर था इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए नहीं लिखा, ये कॉमन है इसलिए इसके साथ मैंने, ये सॉरी अब्स्ट्रैक्ट है इसलिए नहीं लिखा, अनकाउंटेबल होते हैं अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा ये कॉमन नाउन था इसीलिए देखो हमने इसके साथ में ए आर्टिकल लिख रखा है। अच्छा हमें पता कैसे चला है कि ये कॉमन है, ये कॉमन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है, यहाँ पे ऑफ यूरोप जो फ्रेज लिखी है हिस्ट्री को कैटेगराइज कर रही है, और ये जो न्यू एडजेक्टिव लिखा ये भी हिस्ट्री को कैटेगराइज कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री ऑफ कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है, तो इसी काउंटेबल नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में बिना आर्टिकल के नहीं आता, तो हमने आर्टिकल ले लिख दिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, कुछ एग्जांपल्स मैंने और भी आप लोगों के लिए लिखे हैं यहां पर, और देखिए जैसे हमने लिखा था एक्साइटेड ऑडियंस हेल्ड द एक्टर विद जॉय, तो जॉय इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जॉय इज द नेम ऑफ अ फीलिंग, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ ये जो जॉय है ना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, द एक्साइटेड ऑडियंस हेल्ड द एक्टर विद जॉय, तो ये जो जॉय वर्ड है ये रेफर कर रहा है फीलिंग ऑफ ऑडियंस की, ऑडियंस की फीलिंग को, उनकी स्टेट को रेफर कर रहा है, ठीक है। अच्छा फिर हमने लिखा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये एक्चुअल में एक पोएम का भी नाम है, आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, मुझे लगता है सीबीएसई में भी है और हम यूपी बोर्ड से पढ़े, यूपी बोर्ड में भी थी, ठीक है। जॉन कीट्स की है, जॉन कीट्स की पोएम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझना, ये जो इज एन लिंकिंग वर्ब है और ये जो जॉय वर्ड है ना ये किसी की स्टेट को या किसी की फीलिंग को रेफर नहीं कर रहा, ये जो जॉय नाउन है ये रेफर कर रहा है थिंग को, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट थिंग है और इज लिंकिंग वर्ब के बाद में उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लिख रखा है, तो जॉय का मतलब थिंग है, थिंग का मतलब जॉय है, ठीक है। तो ये जो जॉय है अभी हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि एक पर्टिकुलर थिंग को रेफर करने के लिए यूज किया गया, उसकी कैटेगरी को रेफर कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब चूंकि ये कॉमन है काउंटेबल है तो इसीलिए देखो हमने यहाँ पे आर्टिकल ए लिख रखा है और यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट था तो नहीं लिखा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय, तो ये जो जॉय है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए है क्योंकि ये रेफर कर रहा है स्टेट को, मेंटल या इमोशनल स्टेट को ऑडियंस की, लेकिन ये जो जॉय है ना ये किसी की स्टेट को रेफर नहीं कर रहा है, ये रेफर कर रहा है थिंग को, थिंग एक कॉमन नाउन है उसका इक्विवेलेंट है तो ये भी कॉमन हो गया, ठीक है, तो ये जॉय कॉमन नाउन है।
अच्छा फिर हमने लिखा आई हैव इनवाइटेड जॉय इन पेरेंट्स टू द पार्टी। अच्छा एंड हिज पेरेंट्स लिखने से ये समझ में आ गया कि जॉय इज सम पर्सन, ये जो जॉय है ये कोई पर्सन है और उसको और उसके पिताजी को बुलाया गया, तो ये पर्सनल नेम हो गया भाई, जॉय जो है पर्सनल नेम हो गया, पर्सनल नेम हो गया तो ये हो गया प्रॉपर। होता है ना लोगों का नाम भी तो होता है जॉय, बहुत से लोग होते हैं बंगाल में, मुझे लगता है ज्यादातर लोग होते हैं उनका नाम जॉय सुजॉय इस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखो ये जो जॉय है ना ये है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर है इसीलिए हमने जे कैपिटल लिखा, ठीक है। अच्छा ये जो जॉय है ये कॉमन नाउन है क्योंकि इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट टू कॉमन नाउन थिंग के लिए यूज किया जा रहा है। अच्छा ये जो जॉय है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये रेफर कर रहा है स्टेट ऑफ ऑडियंस को। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ही नाउन है और उसको हम थ्री डिफरेंट सेंटेंसेस में थ्री डिफरेंट टाइप्स में यूज कर रहे हैं, एक में वो कॉमन है, एक में एब्स्ट्रैक्ट है और एक में वो प्रॉपर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन एसिड सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए वैसे मैंने इसमें केवल सॉल्ट को अंडरलाइन किया है लेकिन आप में से जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं वो समझते होंगे कि यहाँ पे एसिड सॉल्ट पूरा एक नाउन होता है। देखिए सॉल्ट जैसे होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कि एसिड सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में तो वो बेसिक सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक सॉल्ट के साथ में न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, तो वो एसिड सॉल्ट बन जाता है। तो एसिड सॉल्ट बेस सॉल्ट ये कैटेगरीज हैं, मतलब ये कैटेगरीज हैं, ठीक है, सॉल्ट की कैटेगरीज हैं, ठीक है। कि जब आप न्यूट्रलाइज कर रहे थे तो उसमें वीक क्या था, एसिड वीक था या बेस वीक था, स्ट्रॉन्ग क्या था, एसिड स्ट्रॉन्ग था वीक स्ट्रॉन्ग था, उसके हिसाब से वो सॉल्ट बनता है। तो ये कैटेगरी है, ठीक है। तो एसिड सॉल्ट पूरा एक ही है लेकिन चूंकि मैं सॉल्ट को यहाँ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ तो उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने केवल सॉल्ट को ही अंडरलाइन किया, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो हम सॉल्ट लिख रहे हैं ये सॉल्ट एक कॉमन नाउन है बिकॉज इट इज अ सर्टेन टाइप। ये देखो लिखा ना एन एसिड सॉल्ट, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप है, ये टाइप को रेफर करने वाला वर्ड है, सब्सटेंस को नहीं टाइप को। तो ये कॉमन नाउन हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, ये आपका एसिड सॉल्ट होता है। फिर आ गया सॉल्ट इजिली डिजॉल्व इन वाटर। अब ये जो हमने सॉल्ट वर्ड यूज किया जनरल सेंस में उस सब्सटेंस को रेफर कर रहा है जिसको सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ये किसी टाइप वाइप को भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो ये आपका है मेटेरियल नाउन। सॉल्ट इज अ मेटेरियल, सॉल्ट इज अ सब्सटेंस एंड इट इज द टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो कॉमन हो गया ये वाला सॉल्ट, कॉमन हो गया ये वाला सॉल्ट, मटेरियल हो गया। फिर हमने लिखा नो टीचर वर्थ हिज सॉल्ट वुड एवर रिकमेंड दैट, कि कोई भी टीचर, ठीक है, जो डिजर्व करता है अपने काम को, ईमानदारी से करता है, डिजर्व करता है रेस्पेक्ट को, ठीक है, मतलब जो सही टीचर है सही सेंस में वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। अब देखो ये एक एक्चुअल में इडियम होता है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो वर्थ वंस सॉल्ट डिजर्विंग रिक्वेस्ट डिजर्विंग रेस्पेक्ट, ठीक है। तो जब वर्थ वन सॉल्ट कहते हैं ना तो यहां पे सॉल्ट का मतलब रेस्पेक्ट होता है, कि मतलब वो पर्सन जो कि रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। क्यों रेस्पेक्ट डिजर्व करता है, क्योंकि वो अपने काम को बड़ी मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में, जैसा करना चाहिए वैसे करता है, मतलब लोगों के साथ धोखाधड़ी गड़बड़ झाला ये नहीं करता, ठीक है। तो यहां पे जब हम लिखते हैं ना नो टीचर वर्थ हिज सॉल्ट, ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा इसमें हिज को अलग मत देखना, ये इडियम है, ये इसके साथ ही लिखा जाता है, लेकिन यहां पे सॉल्ट का मतलब रेस्पेक्ट होता है वैसे, ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा इस इडियम के पीछे भी कहानी है, मैं कभी आपको इडियम्स वगैरह अगर समझाऊंगा तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा कि वर्थ इज सॉल्ट में सॉल्ट ही क्यों यूज किया गया, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट का मतलब रेस्पेक्ट है, ये एक कैटेगरी ऑफ सॉल्ट हो गई तो ये कॉमन हो गया, और ये सॉल्ट इन जनरल सब्सटेंस को रेफर कर रहा है तो ये मटेरियल हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट में हमने लिखा सॉल्ट गोज ऑन द रन टू एल्यूड कैप्चर बाय द सीआईए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अमेरिका की, जैसे अपने यहाँ एसबीआई है, एसबीआई बता रहा हूँ, सीबीआई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो सॉल्ट हमने लिखा है ना ये प्रॉपर नाउन है, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, ध्यान दें। वो जो मूवी है ना सॉल्ट, मतलब वो जो मूवी है जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसका रेस्पेक्ट मैंने ये सेंटेंस लिखा, वो एंजेलिना जॉली की मूवी है। एंजेलिना जॉली मतलब मेन एक्ट्रेस है उसमें, और एंजेलिना जॉली का मतलब कैरेक्टर नेम एवलिन सॉल्ट है, ठीक है। और ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट ये मूवी का ही नाम है, और जो मतलब हीरोइन है मूवी में, एक्ट्रेस है एंजेलिना जॉली, उसका कैरेक्टर नेम है एवलिन सॉल्ट। तो जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्ट गोज ऑन द रन टू एल्यूड कैप्चर बाय द सीआईए, सीआईए कैच ना मतलब पकड़ ना ले, अरेस्ट ना कर ले, इसलिए वो भाग जाती है। वो खुद भी मतलब होती है सीआईए में, लेकिन वो सीआईए वाले उसी पर डाउट करते हैं, वो भाग जाती है, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट है ना इट इज रेफरिंग टू द पर्सन हुज नेम इज सॉल्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, मूवी का भी नाम है सॉल्ट, मतलब उस मूवी का नाम ही सॉल्ट है, ठीक है, तो वो भी प्रॉपर नाउन हो गया।
तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हम देख रहे हैं एक नाउन हमने यूज किया, सॉल्ट यहाँ यूज किया, वहां यूज किया, यहाँ यूज किया, यहाँ यूज किया, ठीक है। और इन फोर सेंटेंसेस में जो सॉल्ट है ना, ये एज डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन यूज हो रहा है। इस सेंटेंस में कॉमन नाउन है, इस सेंटेंस में मटेरियल है, यहाँ पे प्रॉपर है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं देखिए मैं बताता हूँ ये बातें क्यों समझा रहा हूँ। ये एक्चुअल में जो आप लोगों को, ये मैं आप लोगों के साथ में वीडियोस डिस्कस कर रहा हूँ, ये डेमो वीडियोस हैं। हमारा जो नया बैच बना है असेक फाउंडेशन, हमारे असेक लाइव ऐप पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज मिले ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, कोई डाउट्स ना हो। अपने कर्मों से कर लो तैयार, वो अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो मैं ये सारी बात आपको इसलिए समझा देता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा प्यारे बच्चे, कोई याद रखने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये सब बकवासबाजी है, जितना समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करो। पढ़ो कम समझो ज्यादा, सुनो कम समझो ज्यादा, याद तो करना ही नहीं है, समझ में आ जाएगा वो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये आपको बातें बताई जाती है ना, इनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, इनके नोट्स बनाने में दिक्कत हो सकती है, मेहनत लग सकती है, लेकिन वो मेहनत वर्थ है, ठीक है। नहीं तो लोग देखते हैं यूट्यूब पे सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं, 10 साल हो गए उनको यूट्यूब पे सीखते सीखते, और सिखाते सिखाते कुछ हाथ नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि वो क्लैरिटी लैक करते हैं, वो केवल चीजों को याद कर लेना चाहते हैं। याद करना सीखना नहीं होता, आप ये बात समझें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी जो हमारा नया बैच है, पहली बात तो उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने उस बैच में एडमिशन लिया, सबको थैंक यू यार, तुम लोग मुझ पर कितना भरोसा करते हो। मैं जनरली डेमोज एमोज भी नहीं देता, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरे बैचेस में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है। और ये जो तुम्हारा फेथ है या जो कॉन्फिडेंस मुझ में होता है ना, यही मुझे इंस्पायर करता है अच्छा करने के लिए, कि मैं और बेहतर करूँ और बेहतर करूँ, ठीक है, हमेशा और बेटर करके इंग्लिश को पढ़ाऊँ और इसको निखारूँ और इसको, मतलब ये मुझे आलसी नहीं होने देता, ठीक है। इट डजेंट लेट मी टेक यू फॉर ग्रांटेड, सीधे सी बात करूँ तो। ये खैर, ये जो हमारा नया असेक फाउंडेशन बैच है, ये कंप्लीट इंग्लिश बैच है। इसमें इंग्लिश के बेसिक्स फंडामेंटल्स काफी डिटेल में समझाए जा रहे हैं। और इस बैच में ऐसा नहीं केवल ग्रामर कवर होगी, इसमें आपका प्रोनंसिएशन है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और स्पेलिंग्स हैं, और वोकेबलरी है, और ग्रामर के कॉन्सेप्शंस यूजर्स हैं, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, ये सब उसमें सिखाया जाएगा डिटेल में। 6 मंथ्स की लाइव क्लासेज इसकी चलेंगी एटलीस्ट, ठीक है, और 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, और एक टीम ऑफ टीचर्स आपको ट्रेन करेगी इंग्लिश में, उसमें मैं हूँ, ठीक है, मैं ऑब्वियसली बात हो नहीं है, ठीक है, मैं हूँ, और दुरानी सर हैं, और सुजैन मैम है, ठीक है, सुजैन दीवान मैम है। तो अलग अलग पार्ट्स हैं पढ़ाएंगे, दुरानी सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, प्रोनाउंसिएशन है, वो डील करेंगे, ठीक है, सुजैन मैम है वो आपका वोकेबलरी है, और वोकैब के अलावा जो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में रिटन पंक्चुएशन है, ठीक है, और स्पेलिंग्स हैं वो डील करेंगे, और ग्रामर एंड यूजेस मेनली मैं डील करूंगा, बाकी मैं बाकी चीजों में भी मेरा इंटरफेरेंस थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। वोकैब के भी कुछ मैं वीडियोस जरूर पढ़ाऊंगा, कुछ लेक्चर जरूर लूंगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ लेक्चर्स मुझे लेने हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट बैच है, और ये उसका पूरा सिलेबस वगैरह इसमें लिखा हुआ है। बाकी इसका एक ना हमने डिटेल्ड आपको वो दे रखा है, क्या नाम, एक वीडियो मैंने असेक प्ले, जो हमारे असेक फाउंडेशन प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें एक असेक फाउंडेशन का एक अलग से डिटेल में सारी चीजें मैंने समझा रखी है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख कर ज्यादा जानकारी ले सकते हो, ठीक है। इसकी लाइव क्लासेस 7th of September से स्टार्ट होंगी, पहले तो 1st of September से स्टार्ट होनी थी, लेकिन अभी मैं आजकल क्लास ले नहीं रहा हूँ थोड़ा सा किसी वजह से, ठीक है, तो 7th से स्टार्ट करेंगे। 7th of September से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, एडमिशन इसके ओपन है अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं इस बैच को, ठीक है। और तो आप हमारा असेक लाइव एप्लीकेशन है, ये गूगल प्ले स्टोर से अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लें, ठीक है। असेक लाइव, ध्यान देना हमारे दो एप्लीकेशन है, एक असेक लाइव है, एक असेक इंग्लिश है। असेक इंग्लिश मत डाउनलोड कर लेना, वो अंडर मेंटेनेंस है, और वो उसको नहीं डाउनलोड करना। असेक लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ब्लैक लोगो है इसका, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से, और उसी पे आपको बैचेस में लिस्टेड ये बैच आपको मिल जाएगा असेक फाउंडेशन, इसको ज्वाइन कर लेना है। फीस इसकी 5,000 है, ठीक है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, हमसे पहले कभी मुखर्जी नगर में या हमारे एनकॉम ABCD जे बैचेज में पढ़ चुके हैं, ठीक है, या जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ठीक है, 9th, 8th, 7th, 11th, 12th, up to 12th standard जो भी बच्चे हैं स्कूल जाने वाले हैं, आपके घर में, आपके नाते रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो उसकी फीस 3,000 है, ठीक है। वो आई कार्ड हमें भेज देना और हम उसको आपको एक लिंक शेयर करेंगे, आप उस लिंक के थ्रू एडमिशन करवा दें 3,000 में, ठीक है। ये हो गया, बाकी अगर कुछ पूछना बताना है इसके बावजूद भी जो मैंने बता दिया, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आप इन पे फोन करके, मतलब फोन ना करें, व्हाट्सअप मैसेज एक ड्रॉप कर दें, और जो भी आपको डिटेल चाहिए आप इसके थ्रू मांग सकते हैं, ठीक है।
चलिए, बाकी एक मैंने वीडियो अलग से ऐसे फाउंडेशन का बनाया है, उसमें काफी डिटेल में इस बैच के बारे में आपको समझाया, आप वहां से देखकर समझ लें, ठीक है? सो थैंक यू एवरीबडी, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ में, ठीक है? आप फिर से मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, थैंक यू एवरीबडी, बाय।